हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, कल की वीडियो पार्ट वन में मैंने आपको बताया था हेड शेविंग के बाद पहले दिन आपको एलोवेरा और प्याज कैसे लगाना है। तो गाइस, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इसके सेकंड पार्ट में आपको बताऊंगा कि आपको ऑयलिंग कैसे करनी है, ऑयल कैसे अपने स्कैल्प में लगाना है और उसमें क्या मिला के लगाना है जिससे आपके हेयर बहुत ही मोटा, घना और बहुत ही मजबूत निकलेगा और न्यू हेयर भी ग्रोथ होंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं कि क्या ऑयलिंग मिलाना है और ऑयलिंग कैसे करनी है। बट उससे पहले तुम्हें भाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और गाइस, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत या अपनी प्रॉब्लम पे आपको वीडियो बनवानी है तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो। इंस्टा की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज, ऑयलिंग करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। एक, पहला इवियॉन 400 विटामिन ई की कैप्सूल, आप ऐसे दो ले लो। और आपको कोकोनट ऑयल चाहिए और एक कटोरी। अब हम करेंगे क्या, तो गाइज पहले हम कोकोनट ऑयल लेंगे, इसमें थोड़ा सा जितना आपको लगाना हो। इसके बाद गाइज आपको इसे गर्म करना है। तो गाइज गर्म करने के बाद इसमें विटामिन ई की कैप्सूल आपको ऐसे दो पंचर करके ऐसे इसमें मिक्स कर देनी है। और गाइस इसको अच्छे से मिलाना है। फिर मिलाने के बाद आपको अपने स्कैल्प में ऐसे करके, गाइस हाँ ऐसे करके आपको लगाना है। गाइस जहाँ पे आपके हेयर नहीं है वहाँ पे भी आपको ऐसे मसाज करनी है और अपने स्कैल्प में कम से कम 5 मिनट ऐसे मसाज करनी है जिससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बूस्ट हो और न्यू हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस ये बहुत ही सिंपल ऑयलिंग करने का तरीका है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप जब आप ऑयलिंग कर रहे हो, जैसे आज ऑयलिंग डेट है आपकी, तो आप इसे ऑयलिंग पहले नंबर तो आपको रात में करनी है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप रात में ऑयलिंग करो, देन सुबह माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लो। तो आप जब ऑयलिंग करो तो याद रखना, कुछ आपको नहीं लगाना, ना प्याज लगाना है, ना एलोवेरा लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना। सिर्फ ऑयलिंग करनी है रात में सोते वक्त और सुबह देन माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। तो गाइस ऑयलिंग मैंने कंप्लीट कर लिया, आपको दिखा दिया कैसे ऑयलिंग करना है। और ऑयलिंग जैसे आज किए तो कल नहीं करना, परसों ऐसे एक दिन छोड़ के, ऐसे जैसे एलोवेरा में मैंने बताया था, एलोवेरा प्याज जैसे आज लगाते हो तो एक दिन छोड़ के, जैसे आज आपने ऑयलिंग की तो कल आप एलोवेरा प्याज लगा सकते हो। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा इसके इसके ऊपर मास्क लगाने का, जो बहुत ही ज़्यादा आपके अगर डैंड्रफ रिमूव करेगा और आपकी हेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी सच में लगी तो एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक कर दो और कमेंट भी करना वीडियो कैसी लगी, अच्छी बुरी जो भी लगी आप ज़रूर कमेंट करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या जो जो हेड सेव हुआ है, ये वीडियो उन तक बस पहुंचा दो, कैसे भी पहुंचा दो, बस पहुंचा दो भाई। और लास्ट में यही कहूंगा, अपने भाई को सपोर्ट करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।